हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका. वेलकम टू अनदर फैशन वीडियो. सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. आज का ये वीडियो गाइस, ड्रेसेस जो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन सभी को मैं स्टाइल भी करने वाली हूँ कि किस ड्रेस के साथ मैंने कौन से मैचिंग इयररिंग्स वेयर किए हैं, या फिर अगर आपके पास मैचिंग इयररिंग्स नहीं है तो आप कौन से इयररिंग वेयर कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ. ऑल्सो गाइस, किसके ड्रेस के साथ मैंने कौन से फुटवेयर वेयर किए हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो. सो चलिए वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मेक श्योर करिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे ही मैं हॉल वीडियोज, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी हर डच गर्ल, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. फर्स्ट जो आउटफिट मैं स्टाइल करने वाली हूँ गाइस, वो है ये ड्रेस. एंड ये पिंक कलर का एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ये ड्रेस है. इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं जो कि मटेरियल में ही बने हैं, वॉशेबल है, आप डेली इसको वॉश कर सकते हैं. ऑल्सो इसमें पफ स्लीव के साथ आपको ये ड्रेस मिल जाएगी, स्वीट हार्ट नेकलाइन के साथ आपको मिलेगी. बैक से आप देखेंगे तो ये टू पीस में आपको ऐसा लगेगा, टू पीस में ये डिवाइड है. यहाँ पे आपको इलास्टिक एंड रस्ट टाइप का आपको ये मटेरियल मिल जाएगा. जो ये मटेरियल है ये बॉडी के अकॉर्डिंग ना एडजस्ट हो जाता है. ऑल्सो ये देखने में ये पार्ट ना आपको काफी ज्यादा दिख रहा है, बट बिलीव मी गाइस, वेयर करने के बाद जब आप इसको वेयर कर लेंगे ना, उसके बाद ये ड्रेस आपको बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है. इसमें गाइस ये पॉलिएस्टर मटेरियल है, साथ में आपको ये कॉटन मटेरियल की इसमें लाइनिंग भी मिल जाएगी जो कि ओनली स्कर्ट वाले पार्ट में की हुई है. इसमें यहाँ पे इलास्टिक भी दी हुई है जिससे काफ़ी अच्छे से है ना एडजस्ट हो जाए, आप वेयर कर लें कन्वीनियंटली, बिकॉज साइड में ना इसमें जिप वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है, तो जिससे काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा था. फिटिंग वगैरह सब कुछ इसकी बहुत अच्छी आई है. इसके साथ में जो मैंने वेयर किए हुए हैं इयररिंग्स वो हैं ये स्टड्स गाइस. ये मेरे पास ना पूरा का पूरा सेट है, बट ये जो इयररिंग्स हैं वो स्टड्स हैं. आप किसी भी ओकेजन में इनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप फॉर्मली वेयर कर सकते हैं, आप कैजुअली वेयर कर सकते हैं, नाइट पार्टीज में भी वेयर करके जा सकते हैं, इसलिए इसके साथ में मैंने ये वेयर किए हैं. ये जो ड्रेस है गाइस, इसको आप कैजुअली वेयर कर सकते हैं, ऑल्सो इसको पार्टीज में भी, नाइट पार्टी, डेट पार्टी पर भी आप इसको वेयर करके जा सकते हैं. साथ में गाइस इसके मैंने यूज़ किए हैं ये वाले वाइट वाले फुटवेयर्स. ये मैंने अपने लास्ट फुटवेयर हॉल में भी शेयर कर दिए हैं. सो ये काफ़ी अच्छी है, मैंने अमेजोन से ही परचेज किए. ये टाई अप फुटवेयर्स हैं, सो ये बहुत ही अच्छे. इसका फुल रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं. साथ में मैंने इसके कैरी किया है ये वाला बैग. एंड ये जो बैग है इसमें काफ़ी आराम से ना बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से कैरी हो जाती हैं. ऑल्सो पार्टीज़ के पर्पज से ना अच्छा है, स्मॉल है, छोटा सा है, तो अच्छा लग रहा है. ये शोल्डर बैग है, सो अच्छा लगता है वेयर करने में भी. सो ये पूरा का पूरा जो आउटफिट है वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था. सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसमें जो मेरा साइज़ है, मैंने जो वेयर किया है वो है एम साइज़, एंड एम साइज़ मुझे परफेक्ट आया है. नेक्स्ट ड्रेस है गाइस, ओह माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये कितनी ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है. वैसे तो ये मैक्सी ड्रेस है, कॉटन मटीरियल की है. कब से मैं ट्राई कर रही थी, सर्च कर रही थी कि मुझे कोई कॉटन मटेरियल की मैक्सी ड्रेस मिल जाए जो कि बहुत स्टाइलिश भी लगे वेयर करने में ना. सो ये गाइज मुझे कुछ बहुत ही कम प्राइस में मिल गई है, कुछ 350 रुपीज़ समथिंग इसकी प्राइस है. और लुक तो इसका इतना ऑसम है कि मैं आपको क्या बताऊँ. कैसे भी आप स्टाइल कर सकते, घर में पहन सकते हैं, कैजुअल पहन सकते हैं, वेकेशन के पर्पज से बेस्ट ऑप्शन है. ये आपको स्पेगेटी ड्रेस मिलेगा इस तरह से, एंड ये पूरा कॉटन मटेरियल, बट सी थ्रू की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है. ये पूरा आपको इस तरह से घेर मिल जाएगा, थोड़ा सा ए लाइन ड्रेस है, लास्ट तक आपको ये ए लाइन थोड़ा सा घेर टाइप का होता है ना, उस टाइप के ये मिल जाएगा. बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी, इलास्टिक जिससे ना वेयर करने में कन्वीनियंट हो जाती है. ऑल्सो ये टाई करने के लिए आपको ये बेल्ट मिल जाएगी. इसके साथ में आप बैकलेस जो ब्रा मैंने शेयर की हुई है वो भी आप वेयर कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो कुछ ट्यूब ब्रा भी वेयर कर सकते हैं अगर आप कन्वीनियंट हैं तो. बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा था गाइस, एंड कॉटन इसका मटेरियल है तो समर के अकॉर्डिंग तो एकदम बेस्ट है. ऑल्सो इसके साथ में जो मैंने फुटवेयर यूज़ किए हैं वो हैं ये ब्लैक कलर के बूट्स, एंड बहुत स्टाइलिश लग रहे थे गाइस इसके साथ में. ऑल्सो मैंने ये हुप्स इसके साथ में वेयर कर लिए थे, बिकॉज अगर आपको लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा पजल्ड
कहेंगे क्या पहने क्या नहीं पहने, बिकॉज हर किसी कपड़े करते मैचिंग का हमारे पास नहीं हो सकता है गाइज. सो इसलिए मैं हुप्स तो हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मोस्टली आप मुझे हुप्स में देख लेंगे बिकॉज ज़्यादातर मैं स्टाइल करती हूँ. सो ये हुप्स डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के भी आते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के भी आते हैं. तो मेरे पास ये थोड़े से लार्ज साइज़ के हैं, अगर इससे भी बड़ा आता है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है. तो इसके साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आउटफिट के साथ ये मैच हो जाते हैं. तो इसके साथ में ना मैंने ये वाला पर्स कैरी किया है, ये ब्लैक कलर का. ये पर्स मैंने अमेजोन के मिनीसो स्टोर से लिया था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था गाइज. एंड इसको भी बहुत छोटू सा है, ऑल्सो इसमें मोबाइल वगैरह सब कुछ बहुत ही आराम से, जैसे अभी भी मेरी हेयर पिंस वगैरह इसमें पड़ी हुई है, आप मोबाइल वगैरह इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं. ऑल्सो स्टाइलिश भी लग रहा था बिकॉज मैंने ब्लैक कलर की फुटवेयर इसके साथ में वेयर किया है, इसलिए मैं ब्लैक कलर का बैग इसके साथ में कैरी किया. अच्छी लग रही थी ड्रेस, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट शो है गाइज, ये एक मिडी ड्रेस है, ये पार्टीज के अकॉर्डिंग गाइज बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छा ऑप्शन है. ये आपको पूरा मिडी ड्रेस मिल जाएगी, यहाँ पे आप ये ना पूरा बॉडी के टाइप ना बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाती है. मटेरियल इसका तो स्पेंडेक्स टाइप का मटेरियल है गाइज, पूरे पे जो प्रिंट किया हुआ है मटेरियल में ही आपको मिल जाएगा, तो वॉश कर सकते हैं डेली, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्सो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पफ स्टाइल में आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, वी नेक यहाँ पे आपको मिल जाएगा. अच्छी लग रही थी गाइज ये ड्रेस वेयर करने के बाद. ऑल्सो इसके साथ में गाइज जो मैंने वेयर किए हैं वो है ये इयररिंग्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो मैंने 200 साल पहले वेयर किया, मतलब परचेज किया था. काफ़ी सारे आउटफिट के साथ मैं इनको वेयर कर लेती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छे भी लगते हैं मुझे, स्टाइलिश भी लगते हैं, एंड इनका जो कलर है ना इसके वजह से ये बहुत सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं. इसी सेम कलर का मेरे पास पर्स भी है, सो जब भी मैं उस पर्स को कैरी करती हूँ मैं ये वाली इयररिंग्स वेयर कर लेती हूँ, तो एंड बहुत सही लगता है. सो ये इयररिंग्स मैंने इसके साथ में वेयर किए हुए है. ऑल्सो गाइज इसके साथ में मैंने जो फुटवेयर वेयर किए हैं वो है ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किए थे, जो कि है मोड ब्रांड से, मोड बाय रेड टैप का वुमेन एक फुटवेयर सेक्शन है, वहां से मैंने वेयर किए हैं. इसमें आपको 2 इंचेस की हील मिल जाएगी, कंफर्टेबल हील है, कंफर्टेबल सैंडल्स हैं, ऑल्सो पम्प्स हैं. सो ऑल्सो इसके साथ में गाइज मैंने वेयर किया है ये बैग, हाँ ये बैग जो कि लेनो पेरोस ब्रांड से है, एंड ये थोड़ा सा गोल्डन टच है ना, इस वजह से ये पार्टीज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से मैच हो जाता है, इसलिए मैंने इसके साथ में ये वाला कैरी किया. पूरा जो आउटफिट है वेयर करने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, सो इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. मेरा जिसमें साइज है वो है एम साइज एंड परफेक्ट आया. वैसे गाइज वो तो बहुत क्यूट लगने वाली है आपको ये ड्रेस, एंड इसका जो कलर बहुत ब्यूटीफुल है इसका, बहुत लाइट बेबी पिंक टाइप का कलर है. ऑल्सो ये है जॉर्जेट मटेरियल की, इसका जो आपको फ्रंट में इसका डिजाइन दिख रहा होगा काफी अच्छा लग रहा है. ऑल्सो बैक साइड से भी इसमें भी आपको ये इलास्टिक केटेड बैक मिल जाएगी, जिससे ना बॉडी के अकॉर्डिंग वो इजिली एडजस्ट हो जाती है. ऑल्सो इसका पूरा मटेरियल जॉर्जेट है, तो जॉर्जेट मटेरियल तो गाइज सी थ्रू होता है, इसलिए इसमें लाइनिंग भी लगाई हुई है पॉलिएस्टर मटेरियल की. एंड ये शॉर्ट ड्रेस है बट बहुत क्यूट लग रही थी, आप इसको पार्टीज में भी वेयर करके जा सकते हैं, ऑल्सो कैजुअल भी वेयर कर सकते हैं, परफेक्ट है एंड पार्टीज के पर्पज से एंड कैजुअल पर्पज से, डेट पर्पज से. ऑल्सो इसके साथ में मैंने जो इयररिंग्स वेयर किए हैं गाइज ये हैं ये वाले, ये इसके साथ में थोड़े से मैच हो रहे थे एंड ये मेरे पास मिल भी गए थे बिकॉज ये मैंने अभी रिसेंटली जब मैं दिल्ली गई थी तो मैंने जनपद मार्केट से परचेज किए थे, इसलिए मैंने ये वाले इसके साथ में वेयर कर लिए. ऑल्सो जो मैंने पम्प्स वेयर किए हैं वो हैं ये भी मैंने अपने हॉल में शेयर कर दिए हैं गाइज, क्योंकि ये ड्रेस थोड़ी सी प्लेन है इसलिए मैंने इसके साथ में ये प्रिंटेड फुटवेयर यूज़ कर लिए हैं, बिकॉज अच्छा लगता है अगर आपकी ड्रेस प्लेन है तो आप थोड़ा सा अच्छा टच देने के लिए इसमें प्रिंटेड फुटवेयर भी यूज़ कर सकते हैं. प्रिंटेड बैग है तो भी आप कैरी कर सकते हैं व्हाइट कलर का, अगर आपके पास प्रिंटेड बैग है. सो ये काफ़ी अच्छा ड्रेस है, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट करें. मेरा जो साइज़ है वो है एम साइज, वो भी ये थोड़ा सा वाइन शेड में. ऑल्सो ये फ्लावर्स बने हुए हैं व्हाइट कलर के, जो कि मटेरियल में ही बने हुए हैं. ये बेल स्लीव के साथ आपको मिल जाएगी, स्लीव्स बहुत ही फ्लेयरी फ्लेयरी सी आपको इसमें मिलेगी. ऑल्सो जब आप इसका डिज़ाइन देखेंगे ना गाइज, बहुत ऑसम डिज़ाइन है इसका. इसमें वेस्ट लाइन ना आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन मिल जाएगी, फ्रिल बनाई हुई है जो लास्ट वाले पार्ट में, बॉटम वाले पार्ट में. ऑल्सो सी थ्रू की ना कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं लगी है. क्लोजर के लिए यहाँ पे
पे फ्रंट में ना ये आपको स्टैंड कॉलर के साथ ही मिल जाएगी, बट क्लोजर के लिए इसमें 2 to 3 बटन दिए हुए हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। ऑल्सो बाकी सारे जो बटन हैं वो ओनली शो पर्पज के लिए हैं। क्वालिटी, डिजाइन सब कुछ बहुत बेस्ट है गाइज इसका। इसको भी आई थिंक मैंने कुछ 499 रुपीज समथिंग में परचेज किया है। सो हाईली रेकमेंड बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। ऑल्सो इसमें जो मेरा साइज है वो है एम साइज। सो गाइज इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा माई हॉल पैक का, उस पर आप क्लिक करेंगे सारा का सारा कलेक्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।